अब हम लोग इस वीडियो के पार्ट में हम लोग इंजन को असेंबल करेंगे, और यहाँ पे मैंने दोनों इंजन चैम्बर्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ये क्लीन हो गया है। अब हम लोग इसमें बियरिंग फिट करेंगे और ऑयल सील हम लोग फिट करेंगे। तो दोस्तों जो भी बियरिंग आपको अच्छा लगे आप परचेस कर लीजिए। तो यहाँ पे चैम्बर में हम लोग इस बियरिंग को इंस्टॉल करेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और यहाँ पे आपको ग्रीस का यूज़ कर लेना है, ईजी होता है बियरिंग अंदर जाने में। थोड़ा सा ग्रीस इस पर भी हम लोग लगा लेंगे, ईजी हो जाता है। ये जैसे ही अपने लास्ट लिमिट पे पहुंच जाता है तो इसका साउंड चेंज हो जाता है। और मैंने यहां पे ओल्ड बियरिंग का यूज किया है न्यू बियरिंग को फिट करने के लिए। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है आपको साउंड में चेंजिंग देखने को मिलता होगा। कहीं कहीं आपको ऑयल सील पहले लगाना होता है, अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बियरिंग ओपन करना पड़ेगा आपको। ये फिट हो गया, तो इसमें ऑयल सील इंस्टॉल हो गया है और इसमें एक बियरिंग भी इंस्टॉल करना है, बट आपको बियरिंग केयरफुली इसमें इंस्टॉल करना है क्योंकि इधर कॉइल है। ये इंस्टॉल हो गया, हमारा बियरिंग्स कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया, सारा बियरिंग्स। तो दोस्तों मैंने सारे बियरिंग्स को रिप्लेस कर लिया है, बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। अब इसमें हम लोग न्यू क्रैंक फिट करेंगे। हीट करने से यही फायदा होता है, बहुत ही आराम से ये फिट हो जाता है। तो ये हमारा क्रैंक फिट हो गया है। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें गियर्स इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इसमें दो शाफ्ट होता है, एक होता है आपका इनपुट शाफ्ट, ये है आपका इनपुट शाफ्ट जिसमें कि क्लच सिस्टम अटैच रहता है, ये है आपका इनपुट शाफ्ट, और ये है आपका आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट में ही ये जो चेन वाला स्प्रॉकेट रहता है ये इस तरह से अटैच होता है यहाँ पे, और इसी से आपका व्हील ड्राइव होता है। तो ये है आपका आउटपुट शाफ्ट। तो दोस्तों इनपुट शाफ्ट में ये एक गियर इसमें लगा रहता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर क्लिप से ये फिट रहता है यहाँ पे। तो जब तक इस गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो इसको आपको बाहर नहीं निकालना है। और ये है हमारा आउटपुट शाफ्ट। तो ये देखिए ये जो पोर्शन है जो कि रोटेट हो रहा है, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये एक यूनिट है, और इसमें भी एक गियर एक्स्ट्रा लगा रहता है, और ये भी यहाँ पे सर क्लिप के हेल्प से यहाँ पे फिट रहता है। तो इसमें भी अगर इसके टिथ में कोई डैमेज आपको नहीं दिख रहा है या यहाँ पे कोई डैमेज आपको नहीं दिख रहा है तो इसको अननेसेसरी आपको बाहर नहीं निकालना है। कुछ प्रॉब्लम हो तभी से बाहर निकालिए और फिर इसे सर क्लिप के हेल्प से यहीं पर फिट कर दीजिए। तो दोनों शाफ्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे गियर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गियर्स हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो शेप है ये है आपका ट्रेपिजियम शेप, ये देखिए ट्रेपिजियम टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये है आपका ट्रेपिजियम शेप, ठीक है। उसके बाद ये जो गियर्स आप देखेंगे तो ये देखिए ये सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कुलर है और यहाँ भी सर्कुलर है, यहाँ भी सर्कुलर है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए इसमें भी सेम टाइप का आपको शेप मिलेगा आउटपुट शाफ्ट में, सर्कुलर टाइप का। तो ये हमारा जो गियर्स है सर्कुलर टाइप का, इसमें शेप बना है, ये एक साइड आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये है ट्रेपिजियम शेप वाला, तो इसमें ये गियर्स आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग एक साइड कर लेंगे और ये हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इनपुट शाफ्ट को कैसे असेंबल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये वाला गियर लेना है, और इसे गियर डॉग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, इसमें कॉलर बना रहता है तो इसे गियर डॉग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे आपको सिक्स ट्रेपिजियम दिख रहा होगा, यहाँ पे सिक्स ट्रेपिजियम है और यहाँ पे थ्री ट्रेपिजियम है। तो आपको क्या करना है, सिक्स वाले साइड को आपको इधर डालना है। अब देखिए ये फिट हो गया, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसे डालें कि ऐसे डालें, तो जो सिक्स वाला साइड है वो इधर आएगा बहुत ही आराम से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रेपिजियम इस साइड है और ट्रेपिजियम इस साइड है, तो ये हम लोग इस तरह से असेंबल करेंगे।
इस तरह से, तो ये इस तरह से सेट होगा। और एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा वाशर है लास्ट में, ये हम लोग इस तरह से फिट कर देंगे। तो ये हमारा इनपुट शाफ्ट असेंबल हो गया है। इसमें बस एक ही आपको ध्यान देना है कि जो 6 साइड वाला है वो इस साइड आएगा, ठीक है, बस एक ही चीज में ध्यान देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हमारा असेंबल हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग आउटपुट शाफ्ट में। तो यहां तक तो हमारा सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखिए, हमारा ये जो गियर डॉग है ये हम लोग फिट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको इसे ऐसे फिट करना है, ठीक है। ये जो छोटा वाला, ये जो सर्कल आप देखेंगे तो ये आपको छोटा दिखेगा, और ये जो है कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो ये आपको छोटा दिखेगा। तो ये छोटा छोटा के साइड में आएगा इस तरह से, और यहाँ पे अगर ये आप सर्कल देखेंगे तो ये आपको बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन, तो ये इस साइड आएगा, ठीक है। तो इसको आपको छोटा वाला साइड को इस साइड असेंबल करना है, देखिए, और आपको चेक कर लेना है, देखिए ये इंगेज हो रहा है, बट वही अगर बाय मिस्टेक आप इसको ऐसे असेंबल कर देते तो ये इंगेज नहीं होता, ये देखिए मूव हो रहा है। बट अगर आप सही इंस्टॉल करेंगे इस तरह से तो ये देखिए परफेक्ट मैच कर रहा है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे इस गियर को असेंबल कर दीजिए, और यहाँ पे एक बूस रहता है, इस बूस को असेंबल कर दीजिए। आपका आउटपुट शाफ्ट भी रेडी हो गया, बिना किसी टेंशन के इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट आपका असेंबल हो गया। उसके बाद आते हैं शिफ्टिंग फॉर्क पे। तो ये दोनों फॉर्क आपको सिमिलर दिख रहा होगा, बट दोनों के साइज में डिफरेंस होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला है वो आपका इनपुट शाफ्ट में यहाँ पे कनेक्ट होता है। अगर आप इसको आउटपुट शाफ्ट में कनेक्ट करने जाएंगे तो ये अंदर इंसर्ट ही नहीं होगा कम्प्लीटली, और अगर आप यहाँ पे बड़ा वाला लगाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ढीला है, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें ढीला है, और ये छोटा वाला आपका लगेगा आपका इनपुट शाफ्ट में, और बड़ा लगेगा आउटपुट शाफ्ट में, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस दो पिन पे। तो ये जो पिन है ऐसे लगता है और ऐसे लगता है, और ये जो दोनों पिन है दोनों सिमेट्रिकल है। आप इसे इसके बदले यहां लगाइए या यहां लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दोनों पिन है एक ही सेप साइज का है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये है आपका गियर कैम, और इसमें दो स्लॉट है, ये देखिए दो स्लॉट है आपका, दो स्लॉट आपका बना हुआ है। तो दोनों स्लॉट में ये इस तरह से फिट होगा, एक यहाँ फिट होगा एक यहाँ फिट होगा। जब मैं फिट करूँगा तब आपको समझ में आएगा, ये इस तरह से इस स्लॉट में फिट होगा। तो आइए इसे असेंबल करते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस गियर्स को चैम्बर पे असेंबल करेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी चैम्बर पे इसे असेंबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड इजिली आप कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ मैग्नेट साइड वाले चैम्बर में इसे असेंबल कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला चैम्बर है उसमें मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि ये जो बड़ा सा गियर कैम है या शिफ्टिंग ड्रम इसे बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे असेंबल कर लेंगे, और इसमें कोई भी वाशर कुछ भी टेंशन आपका नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे ये असेंबल हो गया बहुत ही प्यार से, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम लोग लेते हैं आउटपुट शाफ्ट, इसे हमने ऑलरेडी असेंबल किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे कि ये जो बड़ा वाला गियर है इसे हम लोग हटा लेंगे बाहर, और ये जो बूस है इसे भी हटा लेंगे, और उसके बाद ये जो इसका शिफ्टिंग फॉर्क है यहाँ पे लगा लेंगे, और इसे यहाँ पे हम लोग असेंबल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे असेंबल कर रहा हूँ बहुत ही प्यार से, और इस शिफ्टिंग फॉर्क को आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये ऊपर आकर के यहाँ पे लग गया, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपको इस बात का ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे ये आकर के इस स्लॉट में, ये देखिए स्लॉट में यहाँ पे ये फिक्स हो गया, और जैसे ही ये फिक्स होगा तो दोनों में से कोई भी एक पिन हम लोग लेंगे और इसे हम लोग सिक्योर कर देंगे। नीचे इस तरह का बना हुआ है स्पॉट, उधर भी उसी में ये जो पिन है ये आपका अंदर चला जाएगा। ये देखिए अंदर चला गया, सिक्योर हो गया, परफेक्ट हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं आउटपुट शाफ्ट में। तो आउटपुट शाफ्ट को हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए इस वाशर का आपको ध्यान देना है, लगाते समय भी इसका ध्यान देना है, ये बाहर नहीं आना चाहिए, इसे इस तरह से होल्ड करना है, कंप्लीट असेंबली है। और यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग फॉर्क है ये भी हम लोग अटैच कर देंगे। और ये देखिए दो स्लॉट था तो एक स्लॉट में ऑलरेडी एक फॉर्क लग चुका है, तो इस बार जो ये वाला फॉर्क रहेगा वो यहाँ वाला इस वाले स्लॉट में नीचे आएगा। तो इसे हम लोग बहुत ही प्यार से आराम से इसे हम लोग फिट कर देंगे अपने जगह पे। ये देखिए इसको आपको बहुत ही प्यार से फिट करना है, और वाशर का आपको ध्यान देना है। ये देखिए अपने जगह पे आ गया, और ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको अपने स्लॉट में आपको फिट करना है। ये देखिए इसको आपको इसके स्लॉट में फिट करना है।
ये देखिए ये अपने स्लॉट में आ गया, ये देखिए आपको ध्यान से देखना है, ये जो फॉर्क था ये अपने स्लॉट में आ गया है, और जैसे ही ये स्लॉट में आएगा इसका जो पिन है हम लोग ऐसे लगा देंगे, ये आपका सिक्योर हो गया कम्प्लीटली परफेक्ट, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम रह गया है, इस गियर को हमें फिट करना है, तो अगर आप इस तरह से फिट करना चाहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप इसे फिट नहीं कर पाएंगे, आपको इसको ऐसे मूव करना है, ये देखिए ऐसे लेके जाना है और इसको प्यार से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, ये अपने जगह पे आ जाएगा, और ये इसका बुश परफेक्टली ये फिट हो गया। तो इस चैम्बर में यही होता है, क्रैंक और गियर्स, और यहाँ पे जो किक वाला शाफ्ट है वो आप बाहर से भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसे पैक करेंगे, और इसमें कोई भी पैकिंग का यूज़ नहीं होता है, इसमें गैस्केट सीलेंट का आपको यूज़ करना है, डोवेल पिंस का आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, और इसमें आप थोड़ा सा ग्रीस लगा लीजिए, बियरिंग इजली इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस चैम्बर को हम लोग बहुत ही प्यार से इसमें इंसर्ट कर देंगे, ये अपने जगह पे आ रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यार से, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही प्यार से ये अपने जगह पे आ जाएगा, और सिंपली इसमें जितना भी बोल्ट था इसे हम लोग लगा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बोल्ट लगा लेता हूँ, तो मैंने सारे बोल्ट्स को यहाँ पे टाइट कर लिया है, और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स होता है 10, बहुत अच्छे से ये टाइट हो गया है, और मैंने यहाँ पे स्प्रॉकेट भी लगा लिया है, अभी मैंने इसके एलन बोल्ट्स को टाइट नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया, बहुत ईजिली आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें किक शाफ्ट असेंबल करेंगे, और ये जो किक शाफ्ट होता है इसमें रैचेट मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रैचेट होता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपको गियर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए आउटपुट शाफ्ट का जो गियर रहता है उसमें ये मेस करता है ये वाला गियर, और ये हमेशा कंटिन्यूअस मेस में रहता है, ये बाहर नहीं आता है। तो आप सोचेंगे कि ये जो गियर है ये मेस रहता है तो इस तरह का साउंड क्रिएट करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच करता है एक दूसरे से तो ये इस तरह से आ जाता है, ये इस तरह से डिटैच हो जाता है, उसके बाद ये गियर आपका साउंड क्रिएट नहीं करता, ये फ्री मूव करता है, ये देखिए अगर ये इंगेज रहता है तो इस तरह से साउंड क्रिएट करता है, बट जैसे ही ये और ये टच करता है एक दूसरे को ये हट जाता है और ये फ्री हो जाता है गियर। यहाँ पे आप देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे फिट कर दिया, ये चला गया, अब आप देखिए यहाँ पे ये साउंड क्रिएट करेगा, जब ये चलेगा तो साउंड क्रिएट करेगा, बट जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, आप एक बार देखिए स्प्रिंग लोडेड रहता है, तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए एक आपको क्लिक का साउंड सुनाई दिया होगा, मैं फिर से सुनाता हूँ, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, या क्लिक किया, अब आप इसको मूव करके देखिए, अब आप इसको मूव करके देखिए, कोई साउंड नहीं आएगा, कोई साउंड नहीं आएगा। तो आइए इसे हम लोग असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे एक वाशर होता है, आपको वाशर का ध्यान देना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑयल का यूज़ कर लेना है, ये देखिए सही है ये, अब इसे आप सिंपली इसे असेंबल कर दीजिए, ये देखिए ये जो इंजन होता है ऐसा इंजन होता है कि आप कैसे भी इसे असेंबल करेंगे ये इंजन आपका परफेक्ट ही असेंबल होगा, ये देखिए ये असेंबल हो गया बहुत ही प्यार से। यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, इसी होल में आपका ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से लग जाएगा, यहाँ पे मैंने होल बताया था आपको, ये देखिए इस तरह से ये इसी होल में इसका स्प्रिंग इस तरह से फिट होगा, और ये यहाँ पे ऐसे लगाना है आपको, अगर ये नहीं लगा रहेगा तो स्प्रिंग बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए आपको इसमें लगा देना है बहुत ही प्यार से, और ये आपको स्प्रिंग यहाँ पे फिट कर देना है, बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा, बस ये आपका किक असेंबल हो गया।
थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगा लीजिए, इजी होता है और ऑयल सील को भी बचाता है। बहुत ही प्यार से यहाँ पे आपको इसे सेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम से आप इसे हिट कर सकते हैं। ये देखिए अपनी जगह पे आ गया और ये दूसरे साइड बाहर आ जाता है। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे साइड ये बाहर आ जाता है, हमने अभी जो लगाया है ये दूसरे साइड यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये बाहर आ गया है और यहीं पे गियर पैडल हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट गियर सिस्टम इंस्टॉल हो गया है और एक बार इसको आपको ऑपरेट करके देख लेना है, 1 2 3 4 सारा गियर को आपको अच्छे से देख लेना है, न्यूट्रल 1 2 3 4 आपको सब कुछ चेक कर लेना है और परफेक्टली इसको आपको देख लेना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, सारा आपको चेक कर लेना है 1 2 3 4 और न्यूट्रल। और अगर एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए तब आगे का आपको काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑयल पंप इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करते समय इसके स्क्रूज का आपको ध्यान देना है, अलग अलग साइज का है। तो अगर आपने बाई मिस्टेक बड़ा वाला यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये क्रैंक है तो वो क्रैंक में टच होने लगेगा, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप लगा देंगे बाई मिस्टेक तो देखिए साउंड आपको सुनने को मिला होगा, ये देखिए इसमें टच हो जाएगा और क्रैंक चलेगा ही नहीं। तो जो बड़ा वाला रहता है वो यहाँ पे रहेगा और छोटा दोनों इधर रहेगा, तो ये बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे है डॉवल, डॉवल आप लगा दीजिए। यहाँ पे दो ओरिंग रहता है छोटा छोटा, आपको ध्यान देना है यहाँ पे ओरिंग रहेगा। ये देखिए सही से आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ओरिंग को बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको यहाँ पे ऑयल पंप इंस्टॉल करना है। ये देखिए ये अपने जगह पे आ गया। क्रैंक को आपको मूव करके देख लेना है, परफेक्टली मूव हो रहा है, कोई भी इसमें स्क्रू टच नहीं हो रहा है। अब इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है, आप इंपैक्ट ड्राइवर का भी हेल्प ले सकते हैं और यह परफेक्टली काम करेगा। और यहाँ पे इसका वायर मैश वाला फिल्टर यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही प्यार से। और कभी भी किसी वजह से अगर आप क्लच कवर को ओपन करते हैं तो इस फिल्टर को आप जरूर क्लीन कीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को गियर्स फिट करना है और गियर फिट करने के पहले यहाँ पे एक छोटा सा की होता है, इस तरह का दो की होगा, एक मैग्नेट साइड में होगा और एक इस साइड में होगा। तो इस साइड जो मोटा वाला होता है ये आपको लगाना है, तो यहाँ पे इसे बिठा देना है, थोड़ा सा इसको आपको हल्का सा डाउन कर लेना है तो गियर इंस्टॉल करने में इजी होता है। ये आपको ये गियर इंस्टॉल करना है और ये गियर है जो कि आपका ऑयल पंप को ड्राइव करता है। ये देखिए ये देखिए आ गया अपने जगह पे। उसके बाद ये प्राइमरी ड्राइव गियर, यही आपके क्लच को ड्राइव करता है, क्लच गियर्स को और फिर चेन और व्हील्स। तो अगर यहाँ का अगर की डैमेज हो जाता है तो कंप्लीट स्टोर ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे एक प्यारा सा वाशर, इस वाशर को आपको नहीं भूलना है, क्लच बास्केट, क्लच बास्केट इसमें आपको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए ठीक है, और एक बूस्ट होता है इसके अंदर, ये आपको इंस्टॉल कर देना है। और दोस्तों जब भी आप कोई इंजन का काम करें या किसी भी तरह का काम करें आप, तो आप ये ट्राई कीजिए कि जो ऑयल का कॉन्टैक्ट होता है आपके स्किन से वो ना हो। और यहाँ पे ये जो क्लच बास्केट है ये भी कटा हुआ नहीं है, यहाँ पे इसमें कोई मेजर कट नहीं है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा कट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है, तो आपको इस क्लच हाउसिंग को आपको रिप्लेस करना होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट है, थोड़ा सा दाग ज़रूर है बट इसमें अभी भी कोई मेजर कट नहीं है, तो ये अभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कंप्लीट असेंबली है इसका मूवमेंट फ्री होता है, कहीं भी कुछ अटकता नहीं है, इसमें कोई भी कट नहीं था, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं था। तो ये इसका जो मूवमेंट होता है ये बहुत ही स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये परफेक्ट है, इसे रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, तो इसीलिए हम लोग ओल्ड ही यूज़ कर रहे हैं। और ये जो आप फ्रिक्शन प्लेट देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ऑयल डिप्ड है
और यही कभी कभी बजाज दिल खुश कर देता है, ये देखिए। और फाइनली ये लग जाएगा इसका, परफेक्टली ये सेट हो गया है। और इसे हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्यार से फिट कर देंगे, ये देखिए। बहुत ही प्यार से आपको फिट कर देना है। और ये वाला जो है एक यहाँ पे रहता है, लास्ट वाला जो प्लेट है ये यहाँ पे रहता है, इस तरह से आपको फिट करना है इसे। ये देखिए परफेक्टली आ गया, ये नट लग जाएगा। और फिर से आपको वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जब आप इसे टाइट करेंगे तो ये राउंड मूव करेगा, तो टाइट करते समय भी इसमें आपको होल्डर लगाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें आपको होल्डर लगाना पड़ेगा इस तरह से, ये देखिए। आपको इसे होल्डर लगा करके अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये टाइट हो गया। जब ये नट आप फिट कर दें उसके बाद इसके प्रेशर प्लेट में इस तरह से प्ले होना चाहिए, ये आगे पीछे आना चाहिए। सपोज अगर इसमें प्ले नहीं रहेगा तो ये जो क्लच सिस्टम है ये हमेशा इंगेज ही रहेगा, इसका होना ना होना इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये रिलीज ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा ये। तो यहाँ पे प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे ये गैप होना चाहिए, नहीं तो ये क्लच आपका रिलीज ही नहीं होगा। और जब इसमें स्प्रिंग लगेगा तो ये कम्प्लीटली इस तरह से टाइट हो जाएगा, और जब आप क्लच प्रेस करेंगे तो ये रिलीज हो जाएगा इस तरह से, टाइट रिलीज इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे ये प्लेट आ जाएगा, और ये जो बोल्ट आप टाइट करते हैं उसे पूरा अच्छे से टाइट किए। उसके बाद एक और की है, ये स्क्वायर की है, ये यहाँ पे रहेगा। बहुत ही प्यार से आपको इसे प्लेस कर देना है। और ये है हमारा फ्लाईव्हील प्लस सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर, इसी में सेंट्रिफ्यूगल फिल्टर का मैकेनिज्म लगा रहता है, और ये बहुत ही हेवी होता है। यहाँ पे एक वाशर और इसका स्पेशल नट। ये भी हो गया, तो ये नट हमारा अच्छे से टाइट हो गया है, और यहाँ पे हम लोग इसका पैकिंग इंस्टॉल कर देंगे। ये पैकिंग इंस्टॉल हो गया है, ये इसका कैप, और इसके स्क्रूज को हम लोग टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे, ये अंदर चला जाता है, और इसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, ये इस तरह से रहता है। तो ये है क्लच कवर, तो यहाँ पे मैंने एक ऑयल सील लगा लिया है, ये किक वाला ऑयल सील है, और दूसरा ऑयल सील मैंने यहाँ पे लगा लिया है, यहाँ पे क्लच वाला लीवर रहता है। तो आइए क्लच वाला लीवर हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए पहले इसको आपको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है, नहीं तो ये ऑयल सील आपका डैमेज हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से रहता है, और बहुत ही केयरफुली आपको इंसर्ट करना है इसे, नहीं तो अगर इसका ऑयल सील डैमेज हो गया तो फिर यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये आपका इंसर्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक डॉग रहता है इस तरह से, तो जब आप क्लच प्रेस करते हैं तो ये बाहर आता है, और जब आप क्लच रिलीज करते हैं तो ये अंदर चल जाता है। तो इस तरह ये काम करता है, आप देख सकते हैं ये मैकेनिज्म। तो मैंने यहाँ पे पैकिंग ऑलरेडी लगा दिया है, एक छोटा सा काम करना है, ये जो किक शाफ्ट है इसे भी आपको थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है ताकि इसका ऑयल सील डैमेज ना हो, और उसके बाद इसके कवर को हम लोग बहुत ही प्यार से इंस्टॉल कर लेंगे।
ये देखिए ये फिट हो गया परफेक्टली। और नेक्स्ट इसके सारे बोर्ड्स को हम लोग टाइट कर लेंगे, और सारा बोर्ड एक ही साइज का है तो इसे अच्छे से हम लोग टाइट कर देंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्यार से इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए आपका आराम से ये इंसर्ट हो गया, ये देखिए परफेक्टली अपने जगह पे आ गया है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको इंस्टॉल करना है और इसको चेक कर लेना है कि ये ग्रूव में अच्छे से आ गया या नहीं। और अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर ये आपके इंजन को डैमेज कर देगा। तो ये परफेक्ट है, अब ये इंस्टॉल हो गया है। 2-3 बार आप इसे चेक कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। इसके डॉवेल्स को आपको प्लेस कर देना है, आपको इसके डॉवेल्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे था। यहाँ पे देखिए ये कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं इसे, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। बट आपको सिलेंडर में देखना है कि सिलेंडर में कहाँ पे डॉवेल का पोजिशन बना हुआ है। ये देखिए सिलेंडर में यहाँ पे और यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग यहीं पे इसे प्लेस करेंगे, अदरवाइज इंस्टॉल ही नहीं होगा। यहाँ पे इसके पैकिंग को आपको इंस्टॉल करना है, ये देखिए पैकिंग के सेप साइज को आपको मैच करना है। ये देखिए ये परफेक्ट इंस्टॉल हो गया है। इस सिलेंडर में डॉवेल का पोजिशन यहाँ और यहाँ बना हुआ है, ये आपको डायमीटर इसका बड़ा लग रहा होगा कंपेयर टू ये और ये। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो पता चला कि आपने इसमें पिस्टन इंसर्ट कर दिया और लास्ट में ये सिलेंडर अंदर जा ही नहीं रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ता है, बहुत ही केयरफुली आपको इसे इंसर्ट करना है और इनटेक साइड और एग्जॉस्ट साइड का आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। ये क्लैंप है, ये टाइमिंग चेन को बाहर आने से रोकता है। ये है टाइमिंग चेन गाइड और ये सेट है। ये हमारा दोनों का सेट है। इसके डायरेक्शन को आपको ध्यान देना है, ये जो प्लेन वाला साइड है वो चेन के साइड में रहेगा। यहाँ से आपको इंसर्ट करना है और ये यहाँ पे आ जाता है, आपको ध्यान से इसे इंस्टॉल करना है। ये अपने जगह पे आ गया है। यहाँ पे एक डॉवेल टाइप का बूस रहता है इसके अंदर इंस्टॉल्ड, तो इसको आपको नहीं भूलना है। ये देखिए ये सही है। उसके बाद दूसरा वाला गाइड है यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर बूस लग गया। यहीं पे चेन टेंशनर चेन गाइड को टच करता है और इस तरह से इसे आगे प्रेस करके रखता है तो आपका चेन टाइट रहता है। यहाँ से इसे इंसर्ट करना है बहुत ही प्यार से। ये यहाँ पे आ गया है और यहाँ भी इसका स्क्रू हम लोग लगा देंगे। तो चेन और चेन गाइड इंस्टॉल हो गया और ये फ्रीली मूव करना चाहिए इस तरह से। ये देखिए ये फ्री है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये कॉइल प्लेट इंस्टॉल करेंगे और इसमें एक सबसे बड़ा ओरिंग आता है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली इंस्टॉल करना है। और अगर आप अच्छे से इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ से आपका वायर लीकेज होगा और बहुत परेशान करेगा आपको, बहुत परेशान करेगा। तो अगर एक बार आप इसे खोलते हैं तो इसके ओरिंग को आप जरूर रिप्लेस कीजिए। यहाँ पे मैं ग्रीस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो बियरिंग है इसके अंदर ईजली जा सके और ऑयल सील भी रहता है तो वो ऑयल सील डैमेज ना हो। आपको बहुत ही आराम से इसे इंसर्ट करना है और यहाँ भी आपको ग्रीस लगा देना है ताकि जो ओरिंग आपने इंस्टॉल किया है वो ओरिंग आपका डैमेज ना हो। इसको आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल करना है। ये देखिए ये जो बियरिंग रहता है थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। ये देखिए
और ये अपने जगह पे आ गया है, एलन बोल्ट्स जहाँ पे लगता है वो पॉइंट आना चाहिए इसमें, ये देखिए। तो ये कॉइल बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है, और अगर आप अच्छे क्वालिटी का ऑयल सील यूज़ नहीं करेंगे तो ये लीक करेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करेगा। और यहाँ पे ये जो न्यूट्रल स्विच है इसे भी हम लोग लगा लेंगे, ये देखिए आराम से आपको लगा लेना है। और यहाँ पे ये जो मेटल वाला पोर्शन है इसके अंदर होना चाहिए वायर, ये देखिए। अगर आप यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो कवर है वो लगाने में प्रॉब्लम होता है, मतलब ये वायर ही आपका कट जाएगा और कंटिन्यूस आपका न्यूट्रल ही शो करेगा। तो ये बात का आपको ध्यान देना है, इस वायर को अंदर टग इन कर देना है। तो ये हमारा कॉयल भी इंस्टॉल हो गया है, तो ये की यहाँ पे आ जाएगा और इसको आपको चेक कर लेना है इंस्टॉल करने के पहले कि ये हेल्दी है कि नहीं। तो इसे आप यहाँ पे लगा दीजिए, मैग्नेट व्हील इंस्टॉल करने के पहले आप इसे चेक कर लीजिए कि कोई भी नट बोल्ट वासर इसके अंदर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग प्यार से इंस्टॉल कर देंगे। और ये स्लॉट का आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपने की लगाया है वहीं पे ये स्लॉट जाएगा, सही है। ये देखिए ये परफेक्टली फिट हो गया है, इसका वॉशर और ये फ्लैंग नट, और इसे टाइट करने के लिए कम्प्लीटली हमें यूनिवर्सल होल्डर से इसे होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोटेट करेगा। तो इस साइड का सब कुछ परफेक्टली फिट हो गया है, सब कुछ लग चुका है इधर, और यहाँ पे बस हम लोग को पैकिंग लगा देना है। ये इस तरह आ जाएगा, पैकिंग आपको एक बार मैच कर लेना है, तो ये पैकिंग सही है। उसके बाद इसका ये जो कवर है ये हम लोग लगा देंगे और सारे बोल्ट्स को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग न्यू कैमशाफ्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, ये जो ओल्ड वाला कैमशाफ्ट था इसका बियरिंग में बहुत ज़्यादा प्ले आ गया है, और अगर बियरिंग में प्ले होता है तो ये बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो और भी ज़्यादा वियर कर चुका है, और इसका जो कैमशाफ्ट है आप देखेंगे तो ये कट गया है, तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, जस्ट आपको इस तरह से लेना है और इसके अंदर आपको फिट कर देना है, इस तरह से ये फिट हो जाएगा परफेक्टली, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद इसका जो ओल्ड रॉकर आर्म है वो भी डैमेज है, इसके रोलर्स में साउंड है और प्ले बहुत ही ज़्यादा है ये, तो मैं इसे भी रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा न्यू रोलर्स है, कम्प्लीटली परफेक्ट है, कोई प्ले नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, और इनटेक एग्जॉस्ट में सेम टाइप लगता है, थोड़ा सा ऑयल रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इसको हल्का लुब्रिकेट कर लीजिए। और इसे इंसर्ट करना बहुत ही ईजी है, सिंपली यहाँ पे प्लेस कीजिए और यहाँ पे इसका पिन रहता है, ये पिन आपको इसे इंसर्ट कर देना है, ये देखिए, ये देखिए आराम से आ गया। उसी तरह दूसरा भी जो रॉकर आर्म है इसे भी हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। ये भी इंस्टॉल हो गया बहुत ही प्यार से। उसके बाद ये प्लेट यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम लोग प्लेस कर देंगे, और ये हमारा कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म और रॉकर आर्म पिन सब कुछ सिक्योर हो जाएगा। तो सब कुछ इंस्टॉल हो गया हेड में बहुत ही प्यार से। तो यहाँ पे मैंने डॉवेल लगा लिया है, और डॉवेल का आपको पोजिशन ध्यान देना है, ये डॉवेल आ गया। उसके बाद ये हेड गैसकेट बहुत ही प्यार से आपको इसे इंस्टॉल कर देना है, ये देखिए ये अपने जगह पे आ गया परफेक्टली। और उसके बाद ये इंजन हेड आपको इंस्टॉल कर देना है, गाइड को आपको ध्यान से इंस्टॉल करना है, ये देखिए इंजन हेड आपको बहुत ही प्यार से इंस्टॉल करना है, और इस चेन को आपको होल्ड करके रखना है, चेन को नीचे गिरने नहीं देना है। और यहाँ पे ये जो कॉपर वाशर है, अगर आपके पास नया है तो आप इसे लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा सैंड पेपर पे घिस करके आप इसे लगा सकते हैं। तो इसे हम लोग क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेंगे, और यहाँ पे अगर आपके पास टॉर्क रिंच है तो आप टॉर्क रिंच का यूज़ कीजिए, सही है, जो इसका टॉर्क होता है उस पर आप टाइट कीजिए, क्योंकि ये हेड का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम इसका थ्रेड डैमेज हो जाता है, और अगर कम करेंगे तो फिर इसका लीकेज स्टार्ट हो जाता है गैसकेट से। तो अगर आपके पास टॉर्क रिंच है तो आप उसी से टाइट कीजिए, बेस्ट रहेगा। तो मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, ये जितना भी ओरिंग है सारा ओरिंग आपको रिप्लेस कर लेना है, ओल्ड ओरिंग क्रश हो जाता है और जगह जगह से क्रैक कर जाता है और ब्रिटल हो जाता है, तो इस ओल्ड ओरिंग को आप हटा लीजिए,
ये क्रश हो जाता है तो फिर लीकेज का चांस बन जाता है, आपको इसे हटा लेना है और न्यू यहाँ पे इंस्टॉल हम लोग कर देंगे जितने भी कैप्स हैं। और बहुत ही प्यार से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, ये देखिए बहुत ही प्यार से इसे इंस्टॉल कर देना है। अगर आपका यहाँ से लीकेज होता है तो इस कैप को टाइट करने से कोई फायदा नहीं है, इसका ये जो ओरिंग है आप रिप्लेस कर लीजिए, ये परफेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा असेंबल हो गया। तो अब हम लोग इसका टाइमिंग सेट करेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजीली आप इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है ये। तो ये कैप हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो क्रैंक का मैग्नेट साइड वाला जो नट रहता है 14 mm का है इसमें, तो इसे हम लोग मूव करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मार्क बना रहता है मैग्नेट व्हील में, उसी मार्क को देखेंगे और जैसे ही आएगा हम लोग इसका ये जो स्प्रॉकेट है कैमशाफ्ट का, ये हम लोग फिट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मूव करना है और मार्क को खोजना है, इस तरह से इसको हम लोग को मूव करना है बहुत ही प्यार से। और ऊपर टाइमिंग चेन को आपको होल्ड करके रखना है, ये नहीं कि टाइमिंग चेन नीचे चला गया तो अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको निकालने में बहुत टेंशन लगता है। और ये देखिए पिकअप कॉइल के लिए जो बना रहता है ये है, बहुत ही प्यार से आपको टाइमिंग चेन को होल्ड करना है। ये देखिए ये एरो शो कर रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और आगे और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है, ये देखिए पहले एरो आया, फिर एक लाइन आया, दूसरा लाइन आया, और यहाँ पे टी के पहले जो लाइन है, ये देखिए ये जो लाइन है ये सही है, ठीक है, यही पॉइंट हमें चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कॉनिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, ये देखिए यही ये पॉइंट है, यहीं पे हमें क्रैंक को होल्ड करके रखना है। तो क्रैंक हमारा टीवी से पे आ गया, एक काम हमारा हो गया है परफेक्टली। ये देखिए टी है और टी के पहले ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसे यहीं पे छोड़ देना है। उसके बाद ये है हमारा कैम सॉफ्ट वाला स्प्रॉकेट, तो यहाँ पे एक निशान आपको दिख रहा होगा, ये मार्क और यहाँ पे ये मार्क दोनों आपको दिख रहा होगा। तो इस स्प्रॉकेट को ऐसे सेट करना है चेन में कि नीचे जो क्रैंक का पोजिशन है वो तो हमने सेट कर दिया, उसे आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे इसे चेन में ऐसे लगाना है कि ये पोजिशन और ये पोजिशन एक दूसरे को मैच करे, ठीक है। तो हमारा एक स्पेसर है यहाँ पे, ये स्पेसर लग गया। अब हमें इस चेन को बहुत ही प्यार से सेट करना है। तो हमने जो सेट किया है ये देखिए, यहाँ पे ये मार्क है और यहाँ पे ये मार्क है, तो ये एक लिंक और पीछे आएगा इस स्प्रॉकेट, ये देखिए यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर से हम लोग इसे ट्राई करेंगे और इस बार देखिए मैंने जो सेट किया है यहाँ और यहाँ दोनों एक लाइन में है परफेक्टली, और जो क्रैंक था जो हमने नीचे किया था वो तो ऑलरेडी अपने जगह पे है ही। तो यही आपको मैच करना है, जहाँ पे ये मैच कर गया मतलब आपका टाइमिंग सेट हो गया है। यहाँ पे इसका आपको बोल्ट टाइट कर देना है परफेक्टली, ये सेट हो गया है। तो मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, तो ये है टाइमिंग चेन टेंशनर। और यहाँ पे ये देखिए ओरिंग जरूरी है, नहीं तो लीकेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और जैसे ही इसे आप बाहर खींचेंगे ये एक्टिवेट हो जाता है, ये देखिए। और फिर से अगर आप इसको रिट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एरो का साइन दिया रहता है, उसी डायरेक्शन में आपको इसे रिट्रैक्ट करना है। ये देखिए मैं एरो के डायरेक्शन में ही इसे मूव करूँगा, ये देखिए ये रिट्रैक्ट हो रहा है। ये रिट्रैक्ट हो रहा है, ये अपने जगह पे आ गया लास्ट लिमिट पे। तो इसे हम लोग ऐसे लॉक कर देंगे तो ये खुद से एक्टिवेट नहीं होगा, जब हम लोग इसे फिट कर देंगे तब ये एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे इसे हम लोगों को लगा देना है, ओरिंग आपको ध्यान देना है, ओरिंग इसका मिस नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये फिट हो जाएगा इसे हम लोग बाहर निकाल देंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा, टाइमिंग चेन को टाइट कर देगा बहुत ही प्यार से। और इसे आपको ओपन नहीं छोड़ना है, इसके पैकेट में एक्चुअली ओरिंग और एक बोल्ट नहीं दिया था, तो एक ओरिंग रहता है यहाँ पे ये वाला ओरिंग, और यहाँ पे एक इस तरह का स्पेशल बोल्ट रहता है, तो इसे आपको प्यार से यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए इस तरह से आपको टाइट कर देना है, ये आ जाएगा। और ओरिंग आपको ओरिंग किट में मिलेगा और ये आप पुराना वाला निकाल के लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया।
तो दोस्तों मैंने इसके सारे कैप्स को लगा लिया है और इसका मैंने वाल्व क्लीयरेंस भी सेट कर लिया, तो ये भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे जो ऑयल का पाइप था ये भी मैंने लगा लिया है और ये इंजन कंप्लीटली रेडी हो गया।